ना भाई साहब इस हद तक गिर जाएंगे, ये मुझे पता नहीं था। पता नहीं क्यों अपनी बहन का सुहाग उजाड़ना चाहते। क्या दुश्मनी हो सकती है मेरे साथ उनकी? इंदिरा मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कल रात भी किसी झिझक की वजह से वो बात छुपा गई और अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द भी देखा मैंने, जो किसी ने नहीं देखा। ऐसा कौन सा दर्द सता रहा है इंदिरा को? तू मन्ने ये बता, मन्ना शर्मा ने तेरे से पैसे लिए थे? जी लिए थे। देखो कितने? जी वो 25,000। सुन लिया ना इंस्पेक्टर साहब, आपने 25,000 रुपए उधार लिए थे इससे बहुत पहले मैंने, और वही ना देने पड़े इसलिए छुपता घूम रहा था इससे। पर किस्मत का फेर देखो, मेरी बहन की शादी में बैंड बजाने के लिए यही आ गया। मैं बस इसको चकमा देने के चक्कर में था। वो ऋषि की किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है, मान लो मेरी बात यार। ओए ये तिरियड़ मारी मैं क्या कर रही थी? ये तो चेक की शर्ट है, ये मेरी शर्ट नहीं है, ये चेक तो पहनता नहीं, पसंद ही नहीं है मेरे को। देखो ना मेरी कमीज कैसी फूलों वाली है सारी, है छोटी लग रही है दिखने में भी, मेरा साइज का नहीं है ये, मेरी नहीं है। तो फिर ऋषि कुमार को किडनैप किसने किया? वो मेरे को क्या पता, पुलिस हो आप पता करो ना। वो मेरी बच्ची अभी भी पैदा हुई है थानेदार साहब, उसके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ मैं, ऋषि की किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। अभी तो थारे भाई मुन्ना को छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी तुम्हारे परिवार में से भेदी है ना, जब तक मैं उस भेदी को पकड़ नहीं लेता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। याद रखियो। क्या सुमेर सिंह सच कह रहा है? कौन हो सकता मेरे परिवार में जो मेरे और ऋषि की खुशियां छीनना चाहता है? रेल बना दी एक शरीफ आदमी की, कहाँ है वो पुलिसिया? बुलाओ उसको, बिना पेपर बिना वारंट के अंदर ठोक दिया, क्या बाप का राज है क्या? एक बेकसूर नागरिक के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत महंगा पड़ेगा उसको, नौकरी खा जाऊंगा मैं उसकी। बुलाओ उसको। मेरे को पकड़ाने वाला कांड तूने करा है ना? तेरे कहने पे पुलिस मेरे को चारों तरफ से धोरी थी ना, तेरे जैसी चुड़ैल बहन भगवान किसी को ना दे। दूर दूर रहे मेरे से, कहने सुनने को रह क्या गया? दिखा दी ना तूने अपने औकात। इसकी हंसी में मुझे तेरा बचपन याद आता है। की तैसी करके क्या नाटक कर रही है तू यहां पे? जितने डंडे तूने मेरे को पढ़वाए हैं थाने में, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना तेरे को। तेरे को पता चले कि डंडे जब पड़ते हैं तो लगता कैसे है तेरे को? पागल हो गया क्या? अपनी बहन के साथ ऐसे जानवरों जैसा सलूक करेगा? अरे जानवरों जैसा सलूक किसने करवाया मेरे साथ में? ऊपर से दिख नहीं रहा है, पर जो थाने में सुताई हुई है मेरी, ढुल्लो ने कंबल परेड करी है मेरी, कंबल में डाल के कूटा है मेरे को। हाँ आपकी इस बबली के कहने पे पूछो इससे, क्योंकि इसे लगा कि ऋषि किडनैपिंग में मेरा हाथ है। इंदिरा तू अपने आशिक के पीछे इतनी खतरनाक हो गई है? इन सब जानवरों में से असली मगरमच्छ को पकड़ के रहूंगा मैं, जिसने झूठे आंसू बहाकर इस सेटलर का जीना आराम कर रखा है। से एक बार पता चल जाए मुन्ना को छोड़कर आखिर है कौन इस परिवार में जो ऐसा कर सकता है।